आगरा में एक रिक्शे में चलती फिरती प्याऊ लोगों की प्यास बुझा रही है। आगरा के समाज सेवियों द्वारा शुद्ध पेयजल की रिक्शे में व्यवस्था की गई है। आप लोग रिक्शे में के अंदर सामान ले जाते होंगे, लोगों को सवारी करते हुए अक्सर कई बार देखा होगा, लेकिन आगरा के संस्था द्वारा रिक्शे में शुद्ध पानी की प्याऊ की व्यवस्था की गई है। रिक्शा सुबह से एक टंकी के अंदर शुद्ध और ठंडा जल भरकर निकलता है, जो हॉस्पिटल, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल में, बाजार में जाता है, जिससे लोगों की प्यास बुझ सके। हमारे जब आगरा के लोगों से बात की तो कहा कि इस संस्था ने बहुत ही नेक काम किया है, जो अपनी तरह से पानी की प्याऊ की व्यवस्था है, क्योंकि हर जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए रिक्शे से प्याऊ की व्यवस्था की गई, जो आने वाले राहगीरों की प्यास बुझा सके। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश जी। जगह जगह रिक्शा ला कर क्या पानी वितरण कर रहे हैं, क्या क्या लग रहा है इससे? ये लग रहा है ये जनता की सेवा अच्छी तरह से कर रहे हैं, और इससे जो जनता की प्यास भी बुझ रही है। कैसा पानी मिल रहा है? पानी बढ़िया मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है। क्या संस्था जी अच्छी पहल है, क्या कह रहे हैं? हमने तो उसको पहल भी देखा है। आगे संस्था कितने दिन से चल रही है हमको जानकारी नहीं है। ठीक है भाई। कमल कुमार, कौन जी सब जगह रिक्शा लेके पानी लेकर जा रहे हो रिक्शे में, क्या कहना चाहोगे? किस तरह से पूरे दिन घूमते हो आप बीच में? जी सर, एक संस्था आई है सच में जयदेव, ये मेरे को घुमाती है, और मैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इमरजेंसी सरकारी हॉस्पिटलों में पानी सप्लाई करता हूँ। मुसाफिर, बाहर से आने वाले मुसाफिर हैं, उनको पानी देता हूँ। किस तरह का पानी देते हो? ये आरओ है, आरओ का पानी है। कहाँ कहाँ जाती हो? ये जाता हूँ मैं, इमरजेंसी है, ISUG है, और सरकारी हॉस्पिटल है जितने भी आगरा में, सारी जगह जाता हूँ। पैसे देते हैं मेरे को? ठीक है।